ओम गजाननं भूतगणाधिशेवितं कपेतजंबो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मां आचार्य तारचंद गौतम अपने कार्यक्रम में भाग्य दृष्टि में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नित्य की तरह हम आपसे बात करेंगे आपकी सभी समस्याओं उनके समाधान के बारे में। दर्शकों, जो टीवी पर नंबर आ रहे हैं इस नंबर से संपर्क करें और हमसे बात करें। आज का जो विषय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक पहले भी मैं हमने बताया था कि रुद्राभिषेक करने से क्या क्या फल मिलता है। पहले हमने आपको बताया था, वर्षा के लिए बताया था, शरीर कष्ट के लिए बताया था और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बताया था। समय का अभाव होने के कारण आपसे भी कम बात होती है, इसलिए हम रुद्राभिषेक करवाते हैं पर विधि से करवाए तभी हमको फल मिलेगा। ऐसे नहीं हमारा मन नहीं है और हम करवा रहे हैं, हाँ जी ये काम कर लिया। पहले अपना मन को स्वच्छ, मन की भावना से ही करवाए। भगवान हमेशा भावना जानने के लिए ही हमारे मन में प्रवेश करते हैं कि इसकी भावना क्या है। अब रुद्राभिषेक बताया कि भाई आपको गन्ने से कराने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार यदि हम शहद से कराएं तब भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, पर विधि वही रहेगी, विधि वही रहेगी आपकी। पहले नहा धो के शुद्ध चित्त होके मंदिर में जाए, मंदिर में जाके अच्छे विद्वान ब्राह्मण को पहले निमंत्रण दे कि ब्राह्मण देवता हमारी पूजा करा दे, रुद्राभिषेक करा दे। पहले निमंत्रण देना पड़ता है। जब ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर कह दे कि हम आपकी पूजा कराएंगे, आपका रुद्राभिषेक कराएंगे, एक भाग्यदर से कम से जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, जय महाकाल। बेटा क्या नाम है? राज बहादुर। बेटा डेट ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ है हमारी 30/12/1977। बेटा जन्म समय बताओ। जन्म समय गुरु जी 2:10 पी एम। जन्म स्थान बताओ बेटा। जन्म स्थान गुरु जी है हमारा लाइनपुरी। बेटा लाइन पे बने रहो। बेटा मेष लग्न की आपकी कुंडली है जी। और सिंह राशि है बेटा। समस्या क्या है बेटा वो बताओ। हमारा जमीन का चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है घर वालों के साथ। किससे? घर वालों के साथ चल रहा है गुरु जी। अच्छा अच्छा ठीक, समझ गया जी मैं। इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसे भैया, बेटा एक तो बताऊं आपको, एक तो आपको जी। आपको एक तो तीन मुख रुद्राक्ष दहन करना होगा। तीन मुख रुद्राक्ष सोमवार को लाल धागे में पिरो के शुद्ध करके गंगा जल पंचम से शुद्ध करके दहन करना है, नंबर वन। दूसरा, आपका इस समय राहु में राहु चला हुआ है, एक आपको गोमेद दहन करना होगा। मध्यमांगुली में चांदी में शनिवार के दिन, क्योंकि राहु भी आपके
राव भी आपका षष्ठ में से बैठा हुआ कन्या का, इसलिए आपको त्रिक भाव में बैठने से स्वास्थ्य भी खराब करता है। और जो आप कह रहे हैं ना केस, केस किस लिए चला हुआ है, क्योंकि केस इसलिए चला हुआ कि आपका मंगल नीच का है, आपका प्रॉपर्टी का केस चलना ये समय का अभाव है, समय आपका चलना जब, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से छीनने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है आपके ऊपर, क्योंकि मंगल नीच का है। मंगल जहाँ नीच का बेटा है, कहाँ पर बेटा है, किस चीज़ को नुकसान करता है, तो आपका चौथे भाव में मंगल बैठा है वो नीच का है, जो पैतृक संपत्ति उसमें नुकसान दे रहा है। तो आपको दो उपाय करने हैं, रुद्राक्ष पहनना है और गोमेद, गोमेद शनिवार के दिन मध्यम अंगुली में चांदी में पहनना है। और एक काम और करना बेटा आप, कि जितना आपका वजन है उतना वजन पक्षियों को डेली प्रतिदिन अनाज डालना है। और एक नीच का मंगल होने के कारण एक काम और करना बेटा आप, यदि आप से प्रतिदिन करोगे तो आपको इस केस में सफलता मिलेगी, आपके अनुकूल रहेगा। आप डेली प्रतिदिन या तो सुंदरकांड, हेलो, सफलता मिल तो जाए, हाँ सफलता मिलेगी बेटा। एक तो डेली आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़े, और कम से कम सवा साल तक जितना केस नहीं निवृत्त हो, जब तक केस खत्म नहीं होता है तब तक आप हर मंगलवार को हनुमान जी को पर चोला चंडाए, ये काम करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा बेटा। क्योंकि नीच का मंगल होने से ऐसा ये प्रॉपर्टी पे ही पैतृक संपत्ति को नुकसान है। जय माँ काल बेटा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि शहद से भी किस प्रकार किया जाए, जिस प्रकार से हमने गन्ने का किया था, पहले आह्वान किया था, स्नान कराया था, पंचामृत से कराया था, शुद्ध स्नान कराया था, वस्त्र चढ़ाए थे, यज्ञोपवीत पहनाया था, चंदन लगाए थे, फूल माला पहनाई थी, सभी देवताओं को, पहले गणेश जी को कार्तिक, पहले गणेश जी को माता पार्वती, माता पार्वती को कार्तिक, स्वामी नंदीश्वर को, वीरभद्र को, शेषनाग को, शंकर भगवान, इस क्रम से, यदि इस क्रम से हम करते हैं तो हमको सफलता अवश्य मिलती है, तब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, जब हमारे, ये नहीं लक्ष्मी ऐसे आ जाएगी, हमारे कारोबार द्वारा आएगी, वो कैसे किस रूप में आती है उसकी कृपा है, किस भाव से आती है उसकी कृपा है। तो इसलिए गन्ने के रस से, शहद से या घी से, विधि के अनुसार, कर्म के अनुसार आप करोगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, कर्म नहीं है तो आपको सफलता मिलना असंभव वाली है। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते गुरु जी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरु जी, मुझे अपने भाई के बारे में बात करनी है। भाई का क्या नाम है? गोपाल। बेटा, गोपाल की डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 17 अगस्त 1987। जन्म स्थान बेटा? 12:04 दोपहर के। समय और बताओ बेटा। समय 12:04। जन्म स्थान? दोपहर के, कानपुर। लाइन पे बने रहो बेटा। जी गुरु जी। ब
बेटा आपकी वृक्ष लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। समस्या क्या है बेटा? इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। बेटा एक काम करना, एक तो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कराना बेटा, सोमवार को लाल धागे में पिरो के शुद्ध करके पंचामृत और गंगा जल से सोमवार को पहनाना बेटा। और बेटा जो इसकी चली हुई है दशा बिनसोत्री में, 2026 तक रहेगी शुक्र में शनि। बेटा शुक्र इसके पंचमेश चतुर्थ स्थान बैठा हुआ है बुध के साथ में, और शनि षष्ठमेश में बैठा हुआ है। इसलिए बेटा एक तो इसको नीली पहनाना बेटा, शनिवार के दिन ठीक नीली पहनाना है, चांदी में मध्यमा अंगुली में शनिवार के दोपहर बाद में ये काम करना बेटा। और बेटा इसको नौकरी मिल जाएगी, परंतु इसका कई कार्य रुके हुए हैं। एक तो इसके बेटा जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग है, सप्तमेश में राहु की पूर्ण दृष्टि है, मंगल भी नीच का है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है। इसको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा बेटा। जी एक तो प्रतिदिन इसको पीला टीका लगाना पड़ेगा बेटा, और बृहस्पतिवार हर बृहस्पतिवार को थोड़ा गाय को गुड़ चने की दाल रोटी में रख के गाय को देनी है, पीले वस्त्र पहनना है और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। ये काम करने से इनको सफलता मिल सकती है बेटा। ठीक जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों हम बात कर रहे थे कि रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक से कई लाभ है, रुद्राभिषेक से कई लाभ है। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति, वंश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, जैसे बताते हैं किसी किसी के वंश नहीं चल रहा है, वंश नहीं है तो किस चीज का, जिसके वंश नहीं है उसको बड़ी दिक्कत है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वंश नहीं है तो उसका कल्याण नहीं, पर उन्होंने भी यही लिखा हुआ है हमारे गुरु पुराण में, यदि चार भावों में, पांच भावों में, दस भाइयों में किसी के एक के भी पुत्र हो जाता है तो सब पुत्रवान हो जाते हैं, संतान वाले हो जाते हैं। इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए हम रुद्राभिषेक करा सकते हैं, सहस्त्र घट करवा सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम करवा सकते हैं, हरिवंश का प्राण का पाठ करवा सकते हैं। ये संतान के प्राप्ति के लिए, वंश बढ़ने के लिए ये हम पूजा कर सकते हैं, परंतु आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। आपका मन सही नहीं है तो कामना नहीं पूर्ण होगी। यदि आपके भाव से करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जब आपका लक्ष्य सही होगा, अब गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उसका विधि से करना चाहिए, हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं तो उसकी विधि से करना चाहिए। ये नहीं है फॉर्मेलिटी, करा चलो चलो, ऐसे सा लाभ नहीं मिलेगा। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, हम बात करते हैं। हेलो, गुरुजी। जय महाकाल बेटा। गुरु जी मुझे ना बेटे के बारे में पूछना बेटा क्या नाम बेटा? है। सचिन, सचिन का डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 12 अगस्त 1998। जन्म समय बेटा, 5 बजे शाम का। जन्म स्थान और बेटा, बेटा जलंधर पंजाब का। लाइन पे बने रहो बेटा। जी बेटा मेष लगन की कुंडली है जी और इनकी राशि मीन है,
समस्या क्या बता जी पर। गुरु जी, देखो ना नशा बहुत ज्यादा करता है, कोई काम नहीं करता, बहुत नशे करता है गुरु जी। इसमें जो है लड़के ने 20 साल की उम्र से नशे करना शुरू कर दिया है, मतलब किसी से सुनता नहीं है गुरु जी, कोई काम में भी ध्यान नहीं लगता, काम पे भी जाता है ना 4 दिन मन लगता है कि काम ही नहीं करता, कोई होता ही नहीं उससे कोई काम नहीं। बेटा एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना बेटा, किसी तरह भी इसको समझना बुझा के 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेटा। जी गुरु जी ताल धागे में सोमवार के दिन शुद्ध करके गंगा जल पंचामृत से। और बेटा एक काम और करना, क्योंकि इसके कई समस्या है, इस वक्त समय इसके चला हुआ है शुक्र में बृहस्पति, बृहस्पति इनके 12वें स्थान में अपने घर का बैठा हुआ है, और क्योंकि शुक्र भी इसका संगत बिगाड़ रहा है, मंगल नीच का है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुध साथ में है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, क्योंकि शुक्र का उपाय करना जरूरी है, क्योंकि जहां जिसका भाव उसका अभाव। एक क्योंकि मंगल नीच का है, सूर्य शुक्र बुध 4थे स्थान में, इस प्रकार से रहा तो अपनी पैतृक संपत्ति को भी खो सकता है, क्योंकि इसके राहु और केतु आमने सामने बैठे हुए हैं, इस चीज को भी इसका विद्यापूर्ण नहीं है। सूर्य 5थ स्थान बैठा हुआ, 4थे स्थान में राहु उसके घर में बैठा हुआ है, इसलिए विद्या में भी रुकावट है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा संगति पे ध्यान देना, जितना हो सके उतना, जैसे इसको शंकर भगवान के मंदिर में ले जाना, इसके हाथ से रुद्राभिषेक करवाना। और एक काम और करना बेटा, इसको इसको आपको पुखराज धारण करना, धारण कराना सोने में, तर्जनी अंगुली में, और वो भी गुरुवार के दिन। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, गुरु जी प्रणाम। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है भावेश नाम है गुरु जी मेरा। बेटा? अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 30/1/1999। जन्म समय बताओ बेटा। 7:38 सुबह। जन्म स्थान बताओ बेटा। महसाना गुजरात। लाइन पे बने रहो बेटा। जी गुरु जी। बेटा आपकी धनु लगन की कुंडली है और वृक्ष जी राशि है गुरु जी, बेटा, समस्या क्या है बेटा? गुरु जी शादी नहीं हो पा रही है, कई रिश्ते आए वो लौट जाते हैं। बेटा ये काम तो होना ही था, क्योंकि बेटा इसमें, क्योंकि सप्तमेश में आपके राहु विराजमान है, सूर्य की दृष्टि है, केतु की दृष्टि संपूर्ण है, और शनि नीच का है, 4थे स्थान बैठा हुआ, जो आपको सुख मिलना था समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। जी एक तो बेटा आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना होगा, सोमवार जी के दिन लाल धागों में दूध दही शहद पंचामृत में गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना बेटा। एक जी काम और गुरु करना बेटा, इस समय आपका चला हुआ है बृहस्पति में, बृहस्पति में शनि चला हुआ है, जी तो आपको एक तो पुखराज धारण करना होगा बेटा, जी गुरु जी पुखराज धारण करना होगा सोने में, तर्जनी अंगुली में, गुरुवार के दिन। और बेटा आपको जो शनि नीच का चला हुआ ना, इससे आपको कई प्रकार की दिक्कत है, आपकी भागदौड़ जिंदगी में किसी से कर्जा लेने से सतर्क रहे, पैतृक संपत्ति से सतर्क रहे, क्योंकि खोने का आसार है, जी गुरु जी क्योंकि शनि नीच का है। और एक काम करना बेटा,
शाम के समय शनि महाराज के माता के तेल चढ़ाना और दीपक जलाना, सुबह पीपल में जल चढ़ाना तिल डाल के काले जी गुरु। और यदि आपका सहयोग कहीं मिल जाए ऐसा तो काले चने उबाल के शनिवार को प्रसाद बांटना, काले कुत्तों को भी दूध पिला सकते हो, उसे काफ़ी शनि प्रसन्न होंगे जी गुरु जी। ये काम करो बेटा, आपको सफलता मिलेगी। जय महाकाल बेटा। जय महाकाल गुरु। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक से कई लाभ मिलता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए हमने घी से भी करते हैं, घी से करते हैं, और कई बार दूध से करते हैं, मिश्रित दूध से भी करते हैं। अब आप बताओ गुरुजी कि हमारे यहाँ तो आसपास शिवलिंग की व्यवस्था नहीं है, तो किस प्रकार करें? शिवलिंग की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई नहीं। आप मिट्टी तो मिल सकती हैं शुद्ध, तालाब से, पोखर से, परंतु मिट्टी हुई होना है, चिकनी साफ सुथरी होनी चाहिए। उसमें गंगा जल मिला के बड़ा सा सुंदर शिवलिंग बनाए और विधिवत विधि के अनुसार आवाहन और पूजा करें। ये काम करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु आप सलगन से करना पड़ेगा। ऐसे काम करने से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु लगन से, जिस विधि को बताते उस विधि से। देव महादेव है प्रभु, प्रसन्न होने में क्या टाइम लगती है? अब बताते कि पंडित जी किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, परंतु विधि के अनुसार। जैसे शिव का वास हो, जैसे हमने हवन में देखते अग्नि का वास, उसी प्रकार इसमें भी रुद्राभिषेक में शिव का वास देखना होता है, श्रावण को छोड़ के। ये काम करने से आपको सफलता पुत्र प्राप्ति की होगी। तन मन धन से करना होगा। अब आपने पंडित जी पुत्र प्राप्ति के लिए आपने बता दिया। ए भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम आचार्य। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है जी? मैं सुरेंद्र बात कर रहा हूँ गुरु जी, यमुनानगर हरियाणा से जी। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना गुरु जी, बेटे की तबीयत खराब रहती है उसकी। बेटी क्या नाम बेटा? दक्ष। दक्षा? हाँ दक्ष, बेटा है बेटा दक्ष। अच्छा दक्ष बेटा है। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा उसका। 1 सितंबर 2012 का जन्म है गुरु जी उसका। जन्म समय बताओ बेटा। 3/57/2005। जन्म स्थान और बताओ बेटा। जी मोगा पंजाब। लाइन पे बने रहो बेटा। जी लाइन पे बने रहो बेटा। जी जी गुरु जी। बेटा आपकी धनु लग्न की कुंडली है जी, और कुंभ आपकी राशि है जी। बेटा समस्या क्या है? गुरुजी बच्चे की तबीयत खराब रह रही है 2 साल से, दवाई वगैरह भी करा रहे हैं लेकिन दवाई अच्छे से लग नहीं रही बच्चे में। बेटा पहले बार तो इसको एक काम कराना बेटा, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना बेटा जी। सोमवार के दिन लाल धागे में पिरो के और शुद्ध गंगा जल पंचामृत शुद्ध करके गाला में धारण कराना बेटा जी। और बेटा एक काम हो कराना, इस टाइम इसका समय चला हुआ है शनि में शनि जी। अब शनि के विराजमान है मंगल के साथ जी,
तो ये भी दिक्कत दे रहा है। एक तो इसको नीली पहनाना बेटा चांदी में जी, मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन दोपहर बाद जी। और एक समस्या और आ रही बेटा, इसका स्वास्थ्य भी खराब रहता होगा बेटा। हाँ स्वास्थ्य, क्योंकि इसके गुरु चांडाल योग भी है और वहां पर राहु की दृष्टि पूर्ण है जी, इसलिए इसको दिक्कत है बार बार। इसको जो इसका लक्ष्य है वहां पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इसको एक तो आप प्रतिदिन पीला टीका लगवाना जी, चाहे नहा धो के पीला टीका लगा ले, उसे भी आपको सफलता मिलेगी जी। क्योंकि बच्चा है और सात प्रकार का अनाज पक्षियों के हाथ से जितना वजन उतना पक्षियों को डालना है प्रतिदिन जी, ये काम कराना बेटा, इसको सफलता मिलेगी। जय महाकाल बेटा। तो रुद्राभिषेक के बारे में बता रहे थे कि गुरुजी रुद्राभिषेक से और क्या लाभ है। रुद्राभिषेक से कई लाभ और भी हैं, जैसे संतान की बताई थी आप, अब संतान भी कई कई संतान भी जैसे हुई और चल बसी, मृत संतान भी होती जो माता के गर्भ से होती है, गर्भ में मर जाना, कुछ दिन बाद मर जाना, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से संचय से हमारा ये संतान प्राप्त होती है। जिसे पूर्व जन्म ने हमें जैसा कर्म किया उसी कर्म के अनुसार हमारी संतान होती है, हमको संतान भी हमारे कई प्रकार के पापों को धारण करके आती है और हमें दुख देखने के लिए, पाप भोगने के लिए आती है। अब बार बार संतान होना, गर्भ में नष्ट हो जाना, मृत संतान होना, इसका बचाव किस प्रकार किए करें, इसका समाधान किस प्रकार हो, रक्षा किस प्रकार हो, तो इसमें भी हमने हमारे शास्त्रों में रुद्राभिषेक बताया है। संतान की सुख के लिए गाय का दूध मिश्रित रुद्राभिषेक कराए। तो आज दर्शकों इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकाश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वतीपते, हर 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 महादेव शम्भो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।